माइनक्राफ्ट 1.21 आ चुका है और उसके साथ आई है कुछ माइनक्राफ्ट की मेट्स। जने आज की वीडियो को अंदर मैं टेस्ट करने वाला हूँ, तो मैं सवेना बायोम के अंदर आ चुका हूँ और मैंने सुना है यहाँ पे एक नया मॉब आया है और उस मॉब का नाम है आर्मडिलो। लेकिन हमारी मिथ के हिसाब से स्पाइडर इससे डरती है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनना, लेकिन मैं फिर भी टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारी स्पाइडर्स है, अब मैं यहाँ पे स्पॉन करने वाला हूँ आर्मडिलो को। वेट, ये एक्चुअली उससे डर रहे हैं। मैं एक बार फिर से टेस्ट करने वाला हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे फिर से बहुत सारी स्पाइडर्स आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे एक आर्मडिलो को स्पॉन करके देखने वाला हूँ और ये एक्चुअली में भाग रही हैं। इसका मतलब ये मिथ होती है कंफर्म। तो गाइस, माइनक्राफ्ट के अंदर एक न्यू आइटम आई है जिसका नाम है विंड चार्ज। लेकिन हमारी मिथ है कि हम लोग उससे एक वॉल को क्लाइम कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे बहुत छोटी सी दीवार बना दी है, अब मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ। तो उस मिथ के हिसाब से मेरे को अपना क्रोसियर यहाँ पे रखना है और अब देखो मैं कैसे दीवार पे चढ़ता हूँ। वेट, ओके मैं एक बार इसको फिर से ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्रोशियर रखूँ तो मैं गिर जाऊंगा। आई थिंक मैंने दीवाल को ज्यादा ही बड़ी बना दी, तो ये मिथ बस्टेड होता है। हम विंड चार्ज की हेल्प से दीवाल पे नहीं चढ़ सकते। तो गाइस, माइनक्राफ्ट 1.21 में एक न्यू मॉब आया है जिसका नाम है, क्योंकि आई हैव नोटिस ड्रग से क्या होता है, तुम चीजें भूलने लग जाते हो। उस मॉब का नाम है ब्रीज, जो कि ब्लेड जैसी दिखती है फॉर सम रीजन। लेकिन हमारी मिथ है अगर हम लोग ब्रीज को एरो मारेंगे तो एरो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस मिथ को टेस्ट करने के लिए मैंने एक ब्लीज को धर लिया है। अब मैं इसको मारने वाला हूँ एरो और टेस्ट करने वाला हूँ क्या ये मिथ सच में काम करती है। ओके गाइस, तो एरो जैसे ही मैं इसको मार रहा हूँ तो ये मेरे ही पास आ जा रहा है। तो अब मैं इसको एक बार सर्वाइवल मोड में भी टेस्ट करने वाला हूँ और ये मैंने की बो को रीलोड और वेट, ये तो लगा ही नहीं। रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये मिथ भी कंफर्म है। ओके गाइस, तो हमारी नेक्स्ट मिथ है कि हम लोग पॉट को फायर क्रैकर्स की मदद से तोड़ सकते हैं। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे डिकोडिंग पॉट को लगा दिया है, मैं नीचे यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ फायरवर्क और ये जा चुका है और कुछ भी नहीं हुआ। ओके गाइस, तो मेरे साथ एक छोटा सा पोपट हो चुका है। ये मिथ सिर्फ जावा एडिशन में वर्क करती है। माइनक्राफ्ट में से छोटे से डिफरेंस क्यों लाता है? तो ये मिथ होती है बस्टेड। तो गाइस, माइनक्राफ्ट 1.21 में आया था एक न्यू स्ट्रक्चर जिसका नाम था ट्रायल चेंबर। लेकिन हमारी मिथ है कि ट्रायल चेंबर में अलग अलग टाइप के फेसेस होते हैं। वेट, ओके गाइस, तो मेरे को पहला स्ट्रक्चर मिल चुका है। ये शायद एक न्यू मॉब आया जिसका नाम है बॉब, ये उसका स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो ये मिथ 100% कंफर्म है, ट्रायल चेंबर में कुछ तो गड़बड़ है। गाइस, माइनक्राफ्ट 1.21 के अंदर हम लोग जितने भी पोषण इफेक्ट लगाएंगे हमें सबके पार्टिकल्स दिखेंगे। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा, माइनक्राफ्ट 1.21 के अंदर जो भी पोषण इफेक्ट हम लास्ट में लगाते थे हमें सिर्फ उसके ही पार्टिकल्स दिखते थे। इस मिथ को टेस्ट करने के लिए मैंने दो पोषण अपने हाथ में ले लिए। सबसे पहले मैं लगाने वाला हूँ स्ट्रेंथ का पोषण, मेरे को इसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं। अब मैं एक बार लगाने नाइट विजन का पोशन, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को दोनों पार्टिकल्स दिख रहे हैं। अब पीवीपी करना कितना इजी है, तुम लोग ऑलरेडी देख सकते हो सामने वाले ने कितने पोशंस लगाए हैं। ये मिथ 100% कंफर्म है। तो हमारा नेक्स्ट मिथ है कि होगलिंग आर्मर स्टैंड पे अटैक करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो एक प्लेयर है। ओके गाइस, तो देखो मुझे पता है होगलिंग पागल है, बट इतना भी नहीं, आर्मर स्टैंड पे अटैक कर रहा है। गाइस, यहाँ पे खुले में फिर से टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ आर्मर स्टैंड और यहाँ पे मैं स्पॉन करने वाला हूँ होगलिंग्स को। ओके गाइस, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये सारे पागल हो चुके हैं, मतलब ये मिथ भी 100% कंफर्म है। इनका पता नहीं कब खत्म होगा। मैं अपने नेक्स्ट मिथ पे चलता हूँ। माइनक्राफ्ट 21 में एक न्यू मॉब है जिसका नाम है बॉब, जो कि हमें पॉइजन्स के एरो मारता है। लेकिन हमारी मिथ ये नहीं है कि ये पॉइजन्स के एरो मारता है, हमारी मिथ ये है कि हम इसके सर के मशरूम सीयर्स की मदद से काट सकते हैं। ओके गाइस, तो मैंने सीयर्स को अपने हाथ में ले लिया, एक बार इसको सीयर्स करके देखते हैं क्या सच में ये गायब होंगे। और वेट, इसने दोनों टाइप के मशरूम ड्रॉप किए हैं, इसका मतलब ये मिथ भी कंफर्म है। पता नहीं मोजा इन बालों ने क्या सोच के ये फीचर डाला। तो गाइस, माइनक्राफ्ट 1.21 में एक न्यू डिक्स आई है जिसका नाम है क्रिएटर। ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत सुरीली है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ जूट बॉक्स को, अब इसके अंदर ये डाल के देखते हैं कि इसकी आवाज कैसी है। ये
ये तो हॉरर टाइप लग रही है। वेट, ये क्या था? वाओ, मैंने पहली बार देखा माइनक्राफ्ट ने पूरा का पूरा म्यूजिक डाल दिया है। तो मेरे हिसाब से ये मिथ 100% कंफर्म है। ये तुम्हारी नेक्स्ट मिथ है कि अगर हम लोग वर्ल्ड के सीड में ट्रायल चेंबर लिखेंगे तो हम लोग ट्रायल चेंबर के ऊपर स्पॉन हो जाएंगे। ओके, तो इसको टेस्ट करने के लिए मेरे को एक और वर्ल्ड बनाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे ट्रायल चेंबर तो लिख दिया है, वर्ल्ड को क्रिएट करके देखते हैं। ओके, तो मैं स्पॉन हो चुका हूँ, अब सेपरेट मोड में जाके देखते हैं क्या नीचे सच में ट्रायल चेंबर है। राइट गाइस, तो अब मैं नीचे जाके देखता हूँ। ओके, यहाँ पे एक लस केव है और बहुत सारे एमेथिस्ट भी हैं, लेकिन मेरे को अभी ढूंढना है ट्रायल चेंबर। गाइस, तो मैं पूरा नीचे आ चुका हूँ, यहाँ पे एक भी ट्रायल चेंबर नहीं है, तो मतलब ये मिथ बस्टेड है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट मिथ है कि ये विंड चार्ज को हम लोग एक बार छोड़ेंगे तो ये इनफिनिटली डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है जब तक ये टकराए ना। तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ने वाला हूँ और इसके पीछे भागने वाला हूँ। गाइस, मेरे रेंडर डिस्टेंस से ही बाहर चला गया। इसको एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं विंड चार्ज को फेंकने वाला हूँ और इसके पीछे जाने वाला हूँ। ऑलराइट, अभी तक तो वो मेरे को दिख रहा है, वहां पे जा रहा है, अभी भी दिख रहा है, थोड़ा ब्लिंक हो रहा है ये, और ये गायब हो गया। आई थिंक यहाँ पे वो टकरा गया, इसका मतलब ये मिथ भी कंफर्म है। तो गाइस, अभी तक हम लोग बकेट से क्लच करते थे, कुछ प्रो लोग पोर्ट से भी क्लच कर लेते थे, लेकिन अब हम लोग नए अपडेट में क्लच कर सकते हैं विंड चार्ज से। बहुत ही ऊंचाई पे आ चुका हूँ, अब मैं यहाँ से क्लच करके देखने वाला हूँ। अरे मैं गया और ओके गाइस, तो ये मिथ बस्टेड है। आई होप सो आज की वीडियो तुम लोगों को पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं तुम्हें मिलता हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।